फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे एक इंडो चाइनीज़ रेसिपी, चिली चिकन। बहुत यमी बनकर तैयार होता है, रेस्टोरेंट्स पे तो हम खाते ही हैं। आज मैं इसको घर में प्रिपेयर करेंगे। तो इसको बनाने के लिए 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है मैंने, और इसके अलावा हाफ कप कॉर्नफ्लावर लिया है। मसालों में हाफ टी स्पून पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सॉल्ट लिया है। और सॉसेज में टोमेटो केचप लिया है, सोया सॉस यूज़ करेंगे, विनेगर यूज़ करेंगे और रेड चिली सॉस। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम एक बड़ा, उसको मैंने इस तरह से स्मॉल क्यूब्स में डाइस कर लिया है, और एक बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अलावा एक टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर जिंजर और एक टेबलस्पून भरकर गार्लिक को फाइन चॉप कर लिया है, और एक अंडा हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से इंडो चाइनीज़ रेसिपी, चिली चिकन। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। तो जो भी पाउडर स्पाइसेस मैंने लिया था ये सब हमने इसमें ऐड कर देना है, पेपर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक और रेड चिली। और कॉर्नफ्लावर हमने 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है भरकर। हमने इसमें सोया सॉस ऐड करना है, ये मैं डार्क सोया सॉस ऐड करी हूँ इसलिए मैंने 1/2 टेबलस्पून ही ऐड किया है। तो यहाँ पर एक अंडे को मैंने बाउल में ऐड करके तोड़ लिया है और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे, 1/2 क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ मैं, और इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें फूड कलरिंग भी ऐड कर सकते हैं, उससे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कलर आपको मिल जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक थिक सा बैटर इसका तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से सारे पीसेस कोट हो गए हैं मसालों के साथ। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए साइड में भी रख सकते हैं, जब मेहमान आने वाले उस वक्त आप इसको फ्राई करके ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हमने इसमें चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेना है। हीट हाई है और ऑयल मीडियम हॉट है, तो ये हम ऐड करते जाएंगे चिकन के पीसेस में और इसको फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे मैंने सारे चिकन के पीसेस को ऐड कर दिया है। जितना आ जाए उतना आप ऐड कर ले, ओवरक्राउड नहीं करेंगे हम इसको। और इसको अब हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। 3 से 4 मिनट बाद हमने इसको टर्न कर लेना है। तो यहाँ देखिए, फ्लेम अभी भी हाई है, 2 मिनट हो चुका है और साइड से जैसा आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फॉर्म हो गया है। टर्न कर लेंगे पकौड़ों को, फ्लेम मीडियम कर लेना है और अब हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक चिकन इनसाइड आउट अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता। यहाँ पर एक टिप मैं देना चाहूँगी, अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकौड़ा चाहिए तो फ्लेम को हाई कर दीजिए एकदम, और हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा डार्क कर लीजिए इसका कलर, तो ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए मैंने इसको क्रिस्प कर लिया है और ये पकोड़े अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं। और इसको अब हम निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में वही तेल यूज़ किया है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है मैंने और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बचा लिया है। अब हमने इसमें जिंजर और गार्लिक जो मैंने चॉप किया है ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब हमने ऑनियंस एंड कैप्सिकम जो मैंने लिया था ये ऐड कर रही हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे इसको। कैप्सिकम और ऑनियन से एक बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है चिली चिकन को। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं नीचे जिंजर गार्लिक के साथ चॉप करके, अगर आपको ज़्यादा तीखापन पसंद है तो। इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से सौते कर लिया है। हल्का सा कलर इसका ग्लेज्ड हो गया है और अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। और अब हमने इसमें सारे सॉसेज ऐड कर देना है। तो टोमेटो केचप मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने ऐड किया है। अगर आपको स्वीटनेस ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून के आसपास सोया सॉस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमने विनेगर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर लिया था जिसको मैंने 1 कप पानी में ऐड कर दिया है और ये मैं सारा इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको चलाते रहें ताकि इसकी गुठलियाँ ना फॉर्म हो जाए।
ग्रेवी में हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो मैं ग्रेवी में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सारे सॉसेस में सॉल्ट होता है, तो अपने अंदाजे से ऐड कर लेना है। थोड़ा सा पेपर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा सा तेज ज्यादा पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए, ये सॉसेस अच्छी तरह से उबल रहे हैं। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और बहुत अच्छी ग्रेवी इसकी कंसिस्टेंसी फॉर्म हो चुकी है। तो अब हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। जो चिकन हमने फ्राई कर लिया है वो ऐड कर देंगे। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ग्रेवी फॉर्म हो गई है इसकी। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी और थिन चाहिए तो आप उसमें कॉर्नफ्लावर किसी भी वक्त ऐड कर सकते हैं और ग्रेवी को क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो आपने उसमें सॉसेस की क्वांटिटी भी बढ़ा देना है। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन्स एंड व्हाइट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर ले। तो रेडी है चिली चिकन, तो चलिए इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है यमी चिली चिकन। तो ये देखिए, चिकन भी देख लेते हैं, बहुत ही मॉइस्ट और अच्छी तरह से कुक हो चुका है ये। ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। राइस के साथ रेलिश कर सकते हैं आप इसको, फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छा जाता है ये कॉम्बिनेशन, तो जरूर ट्राई कीजिए। गार्निश कर देंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस के साथ और ये बिल्कुल रेडी है। तो जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे फीडबैक लिख के जरूर बताइए कि आपको रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अगर आपको रेसिपीज आ रही हैं पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर।